नमस्कार, मैं हूं निधि सिंह और आप देख रहे हैं हमारे चैनल रब्सी लाइव। शादी के लिए अब धर्म और जाति की पाबंदी नहीं रहेगी। केरल सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए अधिकृत सभी रजिस्ट्रों को इस बारे में सख्त निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रार विवाह का पंजीकरण कराते समय दुल्हा और दुल्हन के धर्म के बारे में पूछताछ जो ना करे। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी का विवाह होता है तो धर्म का पूछताछ अवश्य होता है कि आप कौन से धर्म से हैं, कौन से रिलीजन से हैं, कौन से कास्ट से हैं। लेकिन अब केरल सरकार ने कहा कि धर्म विवाह पंजीकरण से इनकार करने का कारण नहीं हो सकता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बीते साल अक्टूबर में केरल हाई कोर्ट के फैसले को मद्देनजर ललन पीआर और आयशा की याचिका पर निर्देश को जारी किया है, जिन्होंने कोचीन के निगम सचिव के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था। वे विवाह के स्थानीय रजिस्ट्रार भी हैं, जिन्होंने अपनी शादी के पंजीकरण से यह कहते हुए बिल्कुल इनकार कर दिया था कि वे दो अलग अलग धार्मिक विश्वासों से संपर्क रखते हैं, यानी कि संबंधित है दोनों। सर्कुलर में कहा गया है कि रजिस्ट्रार को दुल्हा दुल्हन के धार्मिक मान्यताओं की जांच करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, क्योंकि विवाह पंजीकरण की मांग करने वाले ज्ञापन में उनके या उनके माता पिता के धार्मिक विश्वासों को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं। विवाह को अन्य बुनियादी दस्तावेजों की जांच के बाद पंजीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें उनकी उम्र और विवाह के समापन को साबित करना शामिल है। सर्कुलर में आगे कहा गया है और बताया गया है कि सभी स्थानीय निकायों में विवाह पंजीकरण के लिए अधिकृत रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जनरल और मुख्य रजिस्ट्रार जनरल इन निर्देशों का सख्ती से पालन करें। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि निर्देशों का पालन करने में अगर कोई चूक होती है या अगर कोई मिस्टेक होती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, यानी कि उन लोगों पर कोई भी कानून कार्रवाई या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो यह रिपोर्ट फिलहाल तो यहीं तक थी और अब दीजिए मुझे इजाजत, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।